तो इस क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा गया है कि भाई एक अनबायस डाई इज सोन ट्वाइस, बहुत अच्छी बात है. लेट द इवेंट ए बी द ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो एंड बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो. चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी. बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन अब हमारे पास वो आता है कहानी की इंडिपेंडेंस वाला. जो हमारी कहानी है उसके दो करेक्टर हमने डिफाइन कर दिए, एक फादर एक सन. फादर हमारा क्या है कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे इफ पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए. तो एक तो ये हमने डिफाइन कर दिया. अब लेकिन ये तो डेफिनेशन हो गई, इसको अप्लाई करने के लिए ये निकालना पड़ेगा. ये थोड़ा निकालना टेढ़ी खीर होता है, फिर हमने ये निकालना पड़ेगा. लेकिन ये बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये हमें प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. अब हमें क्या कर दिया हमने, अब हमारा इसी से हमने एक और फार्मूला ड्राइव किया था कि पी ये दो इवेंट इंडिपेंडेंट है अगर पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी. तो ये तो हमारा बहुत ही सिंपल चीज है. तो हम नॉर्मल केस में ये ही फार्मूला यूज करेंगे जब हमें इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट करनी है, जबकि आया पहले वो, लेकिन हम फादर को छोड़ के हम सन पे कंसंट्रेट करें. चलिए ठीक है. अब हमें क्या निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, पी ए निकालना है, पी बी निकालना है, और हो गया. लेट ए बी द ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो. तो ऑड नंबर हमारा, तो ऑड नंबर के लिए हमारे जो फेवरेबल आउटकम है कि पहले वाले में हमारा ऑड आए तो दूसरे वाले में हमारा ऑड इवन कुछ भी आ सकता है. तो पी ए हमारा कि भाई पहले ऑड आए उसके हमारे कितने वो हैं भाई, थ्री पॉसिबल वेज हो गए हमारे, और हर एक पॉसिबल वेज के लिए दूसरी बार में सिक्स वेज हैं. तो हमारा कितना हो गया पी ए कि भाई ये थ्री इंटू सिक्स हो गया, और टोटल हमारे कितने हैं वो हमारे 36 हो गए. तो 18 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, ये हो गया. अब पी बी, इसमें क्या है कि हमारे ए में कुछ भी आ सकता है और बी में हमारे क्या आना चाहिए, बी में हमारा ऑड नंबर आना चाहिए. तो वो हमारे इसमें कुछ भी हर एक सिक्स वे हो सकते हैं, और उन हर एक सिक्स वे के साथ हमारा थ्री वे जुड़ा हो सकता है कि भाई वन आए, थ्री आए, फाइव आए. अगर इसमें हमारा क्या क्या हो गया, सिक्स इंटू थ्री कि भाई पहली बार हमारे पास सिक्स ऑप्शन है उनमें से एक चूज कर सकते हैं, दूसरी बार थ्री है उसमें से एक चूज कर सकते हैं. तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए. हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम, पहले बार हम सिक्स चूज कर सकते में से एक चूज करना है, दूसरी बार सिक्स में से एक चूज करना है, तो 36 हो गए. तो ये भी हमारा 18 अपॉन 36 हो गया. तो ये भी हमारा 1/2 हो गया. अब ए इंटरसेक्शन बी, ये कितने हुए कि भाई पहले में हमारा ऑड आए से वन आए, और फिर दूसरे में हमारा वन आए, फिर हमारा वन के साथ थ्री, वन के साथ फाइव, फिर थ्री के साथ वन, थ्री के साथ थ्री, थ्री के साथ फाइव, और फाइव के साथ वन, फाइव के साथ थ्री, एंड फाइव के साथ फाइव. तो ये हमारे कितने हो गए, ये हमारे नाइन हो गए. अगर हम ये लिख के ना करें वैसे ही करें, तो पहले में हमारे पास थ्री ऑड नंबर्स हैं, उसमें से एक को चुनना है तो वो थ्री वेज में चुन सकते हैं. फिर अगर हमें दूसरे वाले में भी थ्री में से एक को चुनना है वो भी थ्री वेज में चुन सकते हैं. तो थ्री इंटू थ्री नाइन हो गया हमारा, और डिवाइडेड बाई हमारा 36 हो गया. तो ये कितना आ गया हमारा 1/4. तो इज दिस ए प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, यस 1/4 इज प्रोडक्ट ऑफ 1/2 एंड 1/2. तो इसका आंसर हमारा, इसका मतलब कि ये जो इवेंट्स हैं ये हमारे डिपेंडेंट है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था. तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियस. बिल्कुल सही बात है कि हमारे तीन हाथ हैं, या हमने दो हाथ अपने इस्तेमाल किए, एक भाई साहब पड़ोसी को बुला लिया कि भाई आप भी आ जाओ, हमें तीन कॉइन टॉस करने हैं. एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 13 का एग्जाम्पल 12 है, तो इसके लिए हमें तीन टॉस करने हैं. भाई पड़ोस के बच्चे को अपने फ्रेंड्स को बुला लिया और हमने तीन कॉइन टॉस कर दिए. कंसीडर द इवेंट है कि थ्री हेड्स और थ्री टेल्स फॉल्स. ठीक है, ओके. एफ एटलीस्ट टू हेड्स कम एंड जी एटमोस्ट टू हेड कम्स.
ऑफ द पेयर्स विच आर इंडिपेंडेंट एंड विच आर डिपेंडेंट। बहुत सही क्वेश्चन है हमारे को, तो ये निकालना शुरू करते हैं कि थ्री हेड और थ्री टेल्स निकल के आए, तो ये हमारा क्या पूछ रहा है कि थ्री हेड और थ्री टेल, तो ये कितने हमारे पॉसिबल हैं। ये हमारे जो पॉसिबल हैं वो हमारा अगर ई इवेंट और ये हमारे दो इवेंट हैं, तो हमारा ये क्या निकल के आएंगे, ये हमारे निकल के आएंगे जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या है, एच 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 और टी टी टी, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गए, तो वो कितने हो गए, टू हो गए। टोटल तीन पॉइंट को टॉस करते हैं तो हमारे कितने आते हैं, एट आते हैं। ये तो हमें रट ही गया, टू पहले में टू चॉइसेस हैं, दूसरे में टू है, तीसरे में टू है, तो ये हमारे एट चॉइसेस हो गई। अब बहुत सही बात है, तो ये हमारी क्या निकल के आई, ये हमारी निकल के आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब हमारी वो कितनी आ गई, टू बाई एट, तो ये वन बाई फोर। पी एफ हमारा कितना आ गया, एट लीस्ट टू हेड्स, तो हमारे वो क्या क्या पॉसिबल है, एच एच एच, ये हमने पहले किया था तो हमें तो याद है उस वाले से कि हमारे ये फोर होते थे इसमें। अभी हमने एनसीईआरटी ने भी इसी एग्जांपल से पूरी प्रोबेबिलिटी पढ़ा देनी है आपको, और फिर एग्जाम में क्वाइंस का नाम भी नहीं लेंगे। चलिए ठीक है भाई, मजबूरी है, क्या किया जा सकता है। एच टी एच कॉमा टी एच एच, ये बनाते रहे सुबह से शाम तक बैठ के, थक गए भाई हम तो इसको बना के। तो फोर फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम एट है, तो ये हमारा कितना हो गया, वन बाई टू। अब हमारा जी क्या है, एट मोस्ट टू हेड्स। ओके, एट मोस्ट टू हेड्स, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो है एक हेड आएगा या टू हेड हमारे आएंगे, वन या कोई हेड नहीं आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि भाई कोई हेड हमारा ना आए, तो एक हेड मतलब हेड हमारे कितने हैं, जीरो एक और वो हमारे दो हो सकते हैं। तो कौन सा केस भैया हमने एक्सक्लूड कर दिया, हमने तीनों हेड वाला केस एक्सक्लूड कर दिया। तो ये वाला क्या हुआ कि हमारे इसमें से ये वाला नहीं हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सब में हेड भाई ये दो 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 हेड हैं, इसमें एक 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 हेड है, इसमें जीरो हेड है, तो सारे कवर हो रहे हैं, केवल ये वाला हमारा कवर नहीं हो रहा। तो ये वाली हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 7/8। अगर आप वैसे लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं कि जी हमारा क्या हो गया, एच एच टी कॉमा एच टी एच टी एच 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 टी टी, और हमारा कितना हो गया, टी एच टी कॉमा टी टी एच कॉमा टी टी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे 7 केस हो गए, तो ये 7/8 हो गया। अब हमारी क्या निकल के आई कि पी ई कितना निकल के आया, 1/4। पी एफ कितना निकल के आया हमारा, 1/2। पी जी हमारा कितना निकल के आया, इतना। अब हमारे कौन से पूछ रहे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो इनके पेयर्स में हमें वो भी निकालने पड़ेंगे, या कि भाई पहले में हमारा वो आए भाई थ्री हेड्स और थ्री टेल्स आए, भाई थ्री हेड्स और थ्री टेल्स हमारे, ये हमारा पहले वाले में हमारा कि अगर हमें दोनों का इंटरसेक्शन भी तो निकालना पड़ेगा, तो पहले हम किसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसमें हमारे कौन से वाले एलिमेंट हुए, ई में हमारे ये वाले हैं, हमारा एफ में कौन से वाले, ई में हमारे सॉरी ये वाले हैं, एफ में हमारे ये दोनों, ये चार हैं, तो क्या इनमें हमारा क्या क्या कॉमन है बताएं जरा, ई एंड एफ में कौन सा कॉमन है, ट्रिपल एच कॉमन है भाई, एक मिल गया हमको। तो ये हमारा कितना हो गया, 1/8, और पी एफ इंटरसेक्शन जी, तो ये चार हैं हमारे, और इसमें ट्रिपल एच ही नहीं है, तो तीन हमारे इसमें कॉमन होंगे ना, तो एच एच टी होगा, एच टी एच और टी एच एच, इसमें दो एच हैं, दो एच हैं, दो एच हैं, ये हमारे तीनों कॉमन हो गए, तो ये हमारा ट्रिपल एच इन्हें वाला नहीं कॉमन होगा, तो ये हमारा 3/8 आ गया। अब पी ई एन जी, इसमें कौन सा हमारा कितने कॉमन है, पी इंटरसेक्शन जी में,
तो भाई इसमें कितने है? एक ये वाला, एक ये वाला, इसमें ट्रिपल टी मिल गया हमको, एक कॉमन, तो ये कितना हो गया हमारा, ये भी हमारा 1/8 हो गया। तो अब हमारे तीन ये पता है, तीन ये पता है, तो क्या हम पेयर्स में चेक कर सकते हैं? यस, अब हम पेयर्स में चेक कर सकते हैं। तो भाई पहले ई एंड एफ की कहानी कर ले, तो ये हमारा कितना है लेफ्ट साइड में 1/8, और ई कितना है 1/4, और ये हमारा कितना है 1/2। बहुत ही अच्छी बात है, 1/4 × 1/2, तो हमारा ये क्या हो गया कि हमारा हमारे ये वाले जो है इंडिपेंडेंट हो गए। तो कौन सा वाला, ई और एफ, राइट, ये हमारे इंडिपेंडेंट हो गए। अब ई एंड जी को कंसीडर कर लेते हैं, तो ये मतलब अब आपको सारी चीजें निकाल दी, फार्मूला बता दिए, ये तो आप खुद ही कर लीजिए ना, अगर कोई टेंशन है तो यहाँ पे हमारा पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, उसको देख लीजिएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा कि भाई जिसमें प्रोडक्ट है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज वाली है कि हम, जैसे मैं कह रहा था ना कि हम जो है देख के प्रॉब्लम को बता देते हैं कि भाई अच्छा ये तो इंडिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंट हो गए, तो वो कई बार जो दिखता है वो बिकता नहीं है। तो इसमें लग रहा है कि यार ये और ये हमारे अगर जो है एटलीस्ट टू हेड्स, ये तो दो हैं, ये तो हमारे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। नहीं भैया, देख के आप जनरली मत बताइए, कहीं कहीं आपका तुक्का ठीक लग सकता है, बट इंडिपेंडेंस का टेस्ट है, उसी को देख के आप ये करें, या तो क्वेश्चन में दिया हो या फिर हमारा ये इस तरह से निकल के आए, तभी आप मान सकते हैं, अदरवाइज नहीं मान सकते। चलिए बहुत बढ़िया बात है, अब क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन सो आर द इंडिपेंड ई एंड एफ। तो हमसे क्या करवाया जा रहा है कि ई एंड एफ आर, ये हमें दिया हुआ है, तो ये है ई एंड एफ, ये हमारा क्या दिया हुआ है, पी ई डॉट पी एफ, ये हमारा दिया हुआ है, और हमें क्या कह रहा है कि ई एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ये हमारा कितना होना चाहिए, पी ई डॉट पी एफ डैश, यही तो हमसे पूछा करवा रहे हैं कि अगर ये दिया हुआ है तो ये प्रूव करना है। चलिए ठीक है, कर देते हैं। अब अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं बुक का सॉल्यूशन आपको पढ़ के सुनाऊंगा और उसको उस मेथड से आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, तो आप कहेंगे सर ये मेथड जो है ना ज़्यादा ही अच्छा है, ये हमारे दिमाग में आएगा कैसे? तो ऐसे मेथड से करा जाए ना कि जिसको हम कर भी सकें। चलिए ठीक है, हम मतलब देखिए मैं तो आपकी तरह पार्टी में हूँ ना, तो हम और आप एक साथ हैं, तो मैं तो आपके ही दिमाग से सोचूंगा, मैं भी बढ़िया सा उल्टा एक बीच में इक्वालिटी ला दूं और उससे सॉल्व कर दूं चीजों को, तो आपको उस समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर कहेंगे देखो इतनी ऊंची बात सर ने कह दी और ये हमारे दिमाग में थोड़ा आने वाली है, तो क्या हम इसे रट लें? तो मैं कहता हूँ नहीं, रटना नहीं है, मैं इसको कोशिश करते हैं। तो आप इसको तो कुछ हिला नहीं सकते ना, ऊपर वाली इक्वेशन को, नीचे वाली इक्वेशन में इस पार्ट को नहीं हिला सकते, एफ डैश को आप क्या लिखेंगे, ये हमारा ई इंटरसेक्शन एफ डैश को आप क्या लिख सकते हैं कि अच्छा पी ई माइनस एफ हो गया हमारा, ठीक है ये हो गया, और ये हम क्या लिख सकते हैं पी ई, और ये हम एफ डैश है तो इसको 1 − PF लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा, तो ये तो कहीं कुछ आगे बात बढ़ नहीं रही है, तो इस वाले को छोड़िए, लेकिन ये वाली कुछ चीज इंटरेस्टिंग लग रही है, ये क्या कह रही है कि पी ई माइनस पी ई पी एफ, ठीक है ये हो गया हमारा पी ई पी एफ, अब ये तो इंडिपेंडेंट हमारे दिए हुए हैं, तो ये पी इंटरसेक्शन एफ हो गया, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, या इसको हम इधर ले जाएं, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये हमने यहीं पे यही वाला लिख दिया, चलिए अभी तो हमें प्रूफ करना है कि पी ई इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ,
ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हमारा कब इन दोनों के बराबर होगा, सम के बराबर, दो सेट्स के सम के बराबर तब होगा कि जब ये हमारा इन दोनों सेट्स के यूनियन के बराबर हो, ई इंटरसेक्शन एफ डैश और इसकी यूनियन के बराबर हो और ये इंडिपेंडेंट हो, तभी तो इन दोनों का सम हमारा इसके बराबर होगा। तो क्या ऐसा है, क्या हमारा ई सेट जो है वो हमारा ई इंटरसेक्शन एफ डैश और ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर है? तो ये अब हमें कहाँ से पता चलेगी, एक तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है ना, मैं 100 बार यूज कर चुका हूँ, 100 बार नहीं तो 10 बार, तो जितना मैंने पढ़ाया है लेक्चर्स में यूज कर चुका हूँ, प्रॉब्लम में अलग से यूज होती है कि ई हमारा ऐसा है। लेकिन एक दिघा भी मार लें हम कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या हो गया, ये वाला हमारा जो ब्लू वाला लेफ्ट वाला ब्लू वाला पोर्शन है ना, ये हो गया, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या होता है, ये हमारा ई माइनस एफ होता है और ये हमारा ई इंटरसेक्शन एफ ये हो गया। तो दिस प्लस दिस इज व्हाट, दिस इज ई, और ये व्हाइट पोर्शन और ब्लू पोर्शन में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारी क्या रिलेशन आ गई कि भाई ई हमारा क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश और ई इंटरसेक्शन एफ की यूनियन है। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश और ई इंटरसेक्शन एफ की यूनियन है। अब इन दोनों की यूनियन है और ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ये ब्लू है ये व्हाइट है, तो इन दोनों का जो पी ई है वो हमारा इन दोनों का सम हो जाएगा। तो पी ई हमारा क्या निकल के आ गया, पी ई इंटरसेक्शन एफ प्लस पी ई, ये क्या था, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ठीक है, ये एफ डैश है ना, मैंने लिख रखा है, प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो गया हमारा। अरे भाई बहुत अच्छी चीज है, ये पी ई और ये तो हमने यहाँ, यही तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, पी ई हमारा कितना है, पी इंटरसेक्शन एफ डैश, तो ये तो हमारी चीज ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया। लेकिन अब हमें यहाँ से ऐसे गुणन प्रूफ करेंगे तो हमें अच्छे से नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी हमें कहानी समझ में आ गई तो हमने ये ऐसा क्यों किया है, तो हम क्या करेंगे। और जो ग्रुप ने किया है उन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई है, उन्होंने कहा ये होता है और ये वाली रिलेशनशिप सीधे लिख दी। अब मेरे को थोड़ी ना सपना आएगा कि मैं यहाँ से जो है ये वाली रिलेशनशिप सीधे लिख दूं कि E इज इक्वल टू E इंटरसेक्शन F डैश और इस दोनों का यूनियन है और ये दोनों हमारे डिसजॉइंट है, तो ये E इस दोनों का सम हो गया, फिर मैं मैनिपुलेट करके निकालूं। पर ये हो गया इंट्यूटिव मैथमेटिक्स, वो मैंने एक ही बंदा देखा है जो इस तरह की इंट्यूटिव मैथमेटिक्स वो प्रॉब्लम देख के ही कर देता था, वो श्रीश यादव, वो भी भाई साहब आजकल क्या हो गए हैं, सन्यासी हो गए हैं, वो बाबा वाले सन्यासी नहीं, वो सन्यासी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जैनविंग वाले मठ में रह के सबसे सिंपली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एंड ही इज ट्रू जीनियस ऑफ आवर टाइम। मतलब मैं जब कॉलेज में था तो यही था कि भाई 4 साल पहले और 4 साल बाद ऐसा ब्रेन नहीं आया, मतलब वो वंस इन ए डिकेड वाला ब्रेन था। तो वो तो मतलब देख के आधी चीजें इंट्यूशन से ही कर देते थे, तो उनका ये था कि भाई उनको जो एक असाइनमेंट मिला 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस में, तो उन्होंने जब उसका असाइनमेंट का सॉल्यूशन दिया तो प्रोफेसर ढूंढता हुआ उनके कमरे पे आ गया कि भाई ये तो नई डिस्कवरी हो गई, तो दैट डिस्कवरी वाज पब्लिश्ड इन जनरल एंड एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। तो हम तो आपको अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि आप भी श्रीश यादव हैं, आप हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, हम तो इस तरह से लॉजिकली बिल्ड कर रहे हैं ना, हम ये डायरेक्ट कहाँ से लिख दूँ, फिर तो मैं आपको रटा रहा हूँ, लेकिन हमें ये कहाँ से आ रही है वो मुझे बताना मेरा काम है। तो वो चलिए, अब आपको ये चीज याद रहेगी कि अच्छा यहाँ पे आ गई, तो आप अगर आपको नहीं भी याद है तो आप थोड़ा बहुत हिला डुला के उसको कर लेंगे। तो चलिए ये वाला अभी एग्जाम्पल हो गया हमारा, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये भी ए डैश वगैरह कही है, चलिए इसमें क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
अब इसका मतलब हम समझ ही गए कि हम इसको लिखने का भी जहमत नहीं उठाएंगे. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ए और ए एंड बी वन ऑफ ए एंड बी इज पी ए यूनियन बी. ये क्या कह रहा है कि पी ए यूनियन बी हमारा क्या होगी, विल बी गिवन बाई वन माइनस पी ए डैश पी बी डैश, इससे दी जाएगी. बहुत सही बात है, अगर इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल दो अलग चीजें हैं. तो ए यूनियन बी ये कितना हो गया, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये कहानी हो गई. अब हमें लेकिन इस फॉर्म में लाना है, तो वो कैसे करें, ये हमारा कितना हो गया पी ए पी बी. चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए पी बी. ठीक है, अब पी ए कॉमन ले लिया इसमें और इसमें से, तो क्या आ गया पी ए हमारा और अंदर क्या बचा, वन माइनस पी बी ये बचा, और प्लस पी बी को हमने कैसे लिख लिया, वन पी बी हमारा क्या है, पी बी हमारा हो गया वन माइनस, अब हमारा क्या बचा पी ए वन माइनस पी बी हमने ले लिया, तो हमारा क्या बचा प्लस पी बी, हमारा ये पी बी बचा. चलिए ठीक है, तो अब हम आगे इसको कहानी को आगे बढ़ाते हैं. तो ये हमारा पी बी कितना हो गया हमारा, ये हमारा तो हो गया पी ए पी बी डैश, और पी बी हमारा क्या हो गया वन माइनस पी बी डैश. कुछ हिलाते रहते हैं तो आंसर आ जाएगा थोड़ी देर में. तो ये कितना हो गया हमारा, वन इज इक्वल टू वन माइनस, अब हमने क्या किया पी बी डैश हमारा ये कॉमन ले लिया इसमें से इसमें से और इसमें से, तो हमारा क्या आ गया वन माइनस पी ए. तो ये हमारा कितना हो गया वन माइनस पी बी डैश पी ए डैश. तो मतलब थोड़ा सा हिलाते रहिए, आपका आंसर निकल आएगा, कहाँ जाएगा क्वेश्चन. तो इसके साथ ही हमारा पार्ट टू वाला ये वीडियो भी ख़त्म होता है इस लेक्चर का. और इन दोनों लेक्चर्स के नोट्स, इन दोनों वीडियोस के नोट्स आपको 13838 पर exxamm.com 13838 पर मिल जाएंगे, उसमें ये दोनों वीडियो भी आपको लगे हुए मिलेंगे. तो चलिए ठीक है, अब इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं. थैंक यू.